उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र में यातायात थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी ने हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल एएसआई योगेंद्र पांडे ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया और यह हंगामा सड़क पर ही चलता रहा। इसके बाद पांडे को माधवनगर थाने लेकर आए, जहां पांडे ने थाने में भी पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की। उज्जैन एसपी ने एएसआई पांडे को निलंबित किया है। एएसआई पांडे की माने तो उनकी पत्नी पिछले 4 महीने से मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और 61 साल की उम्र होने के बाद भी उन्हें प्रतिदिन ऑफिसर मेस के सामने पॉइंट ड्यूटी पर लगाया जाता है। कहा जा रहा है कि इसी के चलते वे शराब के आदी हो गए। आज ट्रैफिक में पदस्थ एएसआई योगेश पांडे, उनकी ड्यूटी अपनी इस पर ऑफिसर मेस पर थी, तो उस समय कुछ नशे की हालत में थे। जनता ने शिकायत करी 100 डायल से भी और कंट्रोल रूम से भी। उस पर हमने अपने ट्रैफिक के अधिकारी सुबेदार निवेश मालवी और सपना परमार को भेजा, जहाँ से उनको मेडिकल के लिए माधवनगर ले गए और उनका मेडिकल कराया गया। पूरी घटना की विस्तृत जानकारी एडिशनल एसपी साहब जीटावन सर और एसपी साहब को दी गई। एसपी साहब ने उन्हें निलंबित करके पुलिस लाइन